हमारा घर में रोजो सोहर हो। दोस्तों अभी तक तो आप लोगों ने सोशल मीडिया पे देख ही लिया होगा कि यह सोहर वाला बवाल, यह वीडियो सोशल मीडिया पे आग की तरह फैल रहा है। जिस तरह किफायत लाल यादव ने कहा है कि हमारे घरे रोजो सोहर हो, इस बवाल को लेकर बहुत ही भोजपुरी सिनेमा में बहुत ही कंट्रोवर्सी हो रही है। देख सकते हैं इन्होंने इस बीच में बताया कि सारी फवाद के जड़ खेफाई लाल यादव ने पता नहीं किसको कहा कि उनको घर में मर जाई है तब वो सोहर ना हुई, इस पे बहुत ही विवाद चला, आप खुद ही सुनिए। आई हम दावा ठोक के कहता नहीं कि मरियो जो है तो उकरा घर में सोहर ना हो। आप देख रहे हैं कि भोजपुरी स्टारों के बीच में कितनी कंट्रोवर्सी हो रही है। आखिर यह भोजपुरी सिनेमा ही क्यों होता है, बाकी सब सिनेमाओं में क्यों नहीं होता है? इन्हीं सब गंदगी की वजह से भोजपुरी को सब पसंद नहीं करते हैं और आज भी भोजपुरी दबी हुई है। इसी सब बातों के कारण भोजपुरी आज भी दबी है और अपने दबे पर से बाहर नहीं निकल पा रही है। आखिर में खेसारी लाल यादव जी ने इतना गुस्सा क्यों जताया, किस लिए यह बवाल हो रहा था? आखिर में सबका क्यों मानना है कि यह किसी दूसरे के लिए कहे हैं? आपका नाम भी बाधित है, अगर विवाद आपके दरवाजे से नहीं उठा तो कोई मतलब नहीं बनता। हम अतला ना बोली ले वो अखिलेश का सबसे दुआर वाला ऐसे बोल देनी हो। आखिर ये सब भोजपुरी स्टारों के बीच में क्या चल रहा है? खेफाई लाल ने बताया कि हम इतना नहीं बोलते हैं, बाकी अखिलेश कश्यप के घर के सामने हैं और उनके घर में प्रोग्राम है इसलिए इतना बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या है यार? खेसारी लाल यादव जी क्या बताना चाहते हैं जनता को? वो खुदे बता जी को पहला हो गया हमार, पहला कपड़ा लाता यही खरीदे थे। आजकल 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 कुछ स्टार लोग कुछ स्टार लोग ऐसे बा जे कुछ स्टार के चमचई करके अपन जीवन चलावल चाहता।